दिस इज आवर इनोवेशन सेंटर। तो मैं आज यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये हमारा मल्टी डिसइंफेक्टेंट डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मिनिमम 5 मिनट्स में क्लीन कर देता है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे बच्चों ने 17,000 में तैयार किया है। क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए होती है, बट ये 17,000 में 20 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा तीसरा प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अटेंडेंस का सिस्टम होता है, या तो वो रोल नंबर से अटेंडेंस लेते हैं या फिर थंब इंप्रेशन वगैरह से अटेंडेंस होता है, बट ये फेस को रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस लेता है। ये एक क्लास की अटेंडेंस एक साथ ले सकता है और ये टीचर्स के लिए काफी मददगार है। चौथा हमारा प्रोजेक्ट है आई ऑपरेटेड व्हील चेयर। आपने व्हील चेयर काफी टाइप के देखे होंगे, बट ये व्हील चेयर उन सबसे डिफरेंट है। इस व्हील चेयर को हम सिर्फ आईबॉल्स की मूवमेंट से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए हमें हाथ पैरों की जरूरत नहीं होती। दूसरा, इस व्हील चेयर को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक सोलर पैनल है। ये टोटली ग्रीन एनर्जी पर काम करता है। इसके लिए हमें किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा मेडिकल सप्लाई ड्रोन है। आपको पता है भारतीय जवानों को डिफेंस में अलग अलग जगह पर ड्यूटी देनी पड़ती है जहां पर इंसानों की पहुंच काफी दूर होती है। तो ये मेडिकल सप्लाई ड्रोन हमने खास मिलिट्री के लिए बनाया है। मान लीजिए बॉर्डर पर कोई सैनिक घायल हो जाता है और उसको मेडिकल की आवश्यकता होती है, तो ये ड्रोन उन तक आसानी से पहुंच सकता है। इसमें हमने मेडिकल सप्लाई के लिए यहाँ पर फर्स्ट एड किट और जो भी हम मेडिकल सप्लाई करना चाहें वो डाल सकते हैं। ये हमारे इनोवेशन सेंटर के कितनी दूर तक जा सकते हैं सर? इसकी रेंज है, अभी तो हमने जो टेस्ट किया है इसकी रेंज है 2.5 से 3 किलोमीटर, बट अगर हम इसमें बैटरी बैकअप बढ़ा दें तो इसकी रेंज काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब इनोवेशन सेंटर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक रूरल एरिया है और यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की थोड़ी कमी है, बट उसी एजुकेशन को इनहेंस करने के लिए हमने इस एचडी स्कूल के कैंपस में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। हम यहाँ पर रोबोटिक स्किल सेंटर रन कर रहे हैं। रोबोटिक स्किल सेंटर रोबोटिक्स लिटरेसी प्रोग्राम है जो बच्चों को 5th से 12th तक रोबोटिक नॉलेज को या रोबोटिक एजुकेशन को इंक्रीज करने में मदद करेगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक बहुत ही जाना माना स्कूल है इस पूरे प्रदेश का, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चों को हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट है इनका पूरा तरह से। स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है और इनके बच्चे पढ़ाई में भी और कंपटीशन में भी एग्ज़ाम्स में बहुत आगे निकल रहे हैं। कोई ना कोई बच्चा हर साल नेशनल लेवल पर आ जाता है और अभी भी कई स्कीमों में ये बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक इतना बढ़िया स्कूल है जहाँ पे 4,000 बच्चों का इतना बढ़िया देखभाल होता है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के प्रिंसिपल इतने कमिटेड हैं कि बच्चों के हर तरह से डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि हर एक बच्चे को एक स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करा हुआ है। इनके लिए एक इनोवेटिव लैब बनाई जा रही है और इस साल अभी जो ये समारोह हुआ है इसमें इनको ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका स्कूल जो है रिकग्नाइज हुआ है और नेशनल लेवल पे गया है। एक आईटी सेक्टर, आईटी वाले एरिया में इनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है जिसमें इनका फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सॉफ्टवेयर पे इनको प्राइज मिला है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ के लिए एक प्राउड मोमेंट भी है और सबको ये बहुत उत्साहित भी करेगी यहाँ के लोगों को ताकि ये अपने बच्चों को भेजें और इतने बढ़िया स्कूल में इनको इनकी शिक्षा कराएं जो आगे चल के अपना नाम कमाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इनको गाइडेंस दी जाती है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कमिटेड हैं,
और बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है।